अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। बनवा रही थी मैं अपने बेटे का प्रोजेक्ट, जो कि पॉट मैंने आपको दिखाया था, मेरे हस्बैंड आपको दिखा रहे थे कल, क्ले पॉट एक वो लेकर आए थे, जो कि हॉलीडे होमवर्क में दिया था कि इस पर पेंटिंग करानी थी, किसी भी तरह से सिंपल डिज़ाइन वगैरह बनवाने थे बच्चों से, और फिर इसमें प्लांट लगवाना था एक। तो मेरे पास एक वेडिंग कार्ड रखा हुआ था, उसकी कटिंग करके मैंने निकाला था उसमें से एक स्टेंसिल, और उसी को मैंने स्पंज से वाटर कलर में डिप करके और ये फिल कराया है स्टेंसिल से, फिर इस तरह के फ्लावर बने थे। और ये डॉट्स मैंने अपने बेटे से फिंगर से बनवाया है डॉट्स, और एक लाइन मैंने रेड कलर की इसको ड्रॉ करके दी थी, रेड लाइन, और उसके बाद में येलो वाटर कलर दिया था मैंने इसको पेंट करने के लिए। क्ले पॉट पेंटिंग हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद में अभी वो ड्राई होने रख दिया था और फिर प्लांट भी लगाना था उसमें। मैंने उसको नहला दिया था अपने बेटे को, ये देखें, और उसके बाद में मैंने उसको अच्छे से पाउडर वगैरह लगाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जब ये मैंने वीडियो बनाई थी, बारिश से पहले ये वीडियो बनाई थी मैंने, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उससे पहले, बारिश से पहले कई दिन काफ़ी गर्मी रही है। उसके बाद में मैं हेयर ऑयल वगैरह लगा रही हूँ, उसको रेडी कर रही थी मैं। और पॉट कंप्लीट होने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था, उसमें प्लांट हमने लगाया था स्नेक प्लांट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से इसके सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने बनवाए थे। और ये देखो मस्ती हमारी चालू है, ये मेरे बेटे को मस्ती सूझ जाती है कभी कभी, ये देखें। और उसके बाद में मैंने नहा लिया था, और उससे पहले मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे, ये देखें, कुछ कपड़े मैंने इधर डाले हुए थे यहाँ पर, और काफ़ी सारे कपड़े अभी बचे हुए थे जो कि मुझे सामने वाली छत पे डालने थे कपड़े। और ये देखें कितने सारे कपड़े अभी भी रह गए हैं डालने के लिए, इसमें दो बेडशीट्स थी तो यहाँ पर तो नहीं आती आसानी से, इसलिए अभी मुझे वो सामने वाली छत पर डालने थे ये वाले कपड़े। उसके बाद में ये देखें, क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी थी नहाने से पहले, अच्छी तरह से सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था रूम, और मैंने वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से क्लीन करके कवर कर देती हूँ मैं इस तरह से, और वॉशरूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये देखें एकदम साफ़ कर दिया था मैंने नहाने के बाद। और ये बेसिन एरिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, और मिरर को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। मिरर मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, स्पॉट्स वगैरह मिरर पे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, तो इसलिए मैं क्लीन करते रहती हूँ। और यहाँ पर पानी आ रहा था कहीं से, ऊपर से आ रहा था शायद, तो मैं यहाँ से भी क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पर पानी आ गया था तो इसको दोबारा से एक बार साफ़ कर लूँगी अच्छे से, ये देखें। और फिर उसके बाद मैं यहीं पर हैंड वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर रूम में, ये देखें। और स्नेक प्लांट जो एक बड़ा वाला स्नेक प्लांट लगा हुआ है, ये देखें, और एक उसी के बराबर में जस्ट मेरे बेटे का प्रोजेक्ट वाला प्लांट रखा हुआ था। और ये देखें किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, बर्तन वगैरह वॉश करके, गैस वगैरह टाइल्स वगैरह मैंने सब क्लीन कर दी थी, ड्रॉस वगैरह पे भी मैंने कपड़ा अच्छे से कोलिन से साफ़ करके लगा दिया था। और ये देखें रूम भी मेरा क्लीन हो चुका था। और सबसे लास्ट में मैं नहाने के लिए जाती हूँ, ताकि फिर गर्मी लग जाती है काम करते करते, और वैसे भी गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो काम करते टाइम और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में नहाने के लिए जाती हूँ जब मेरे सारे काम हो जाते हैं ख़त्म। और ये एक मेरा फाउंडेशन रखा हुआ था, ये देखें मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैं क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ और फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ, तो ये देखें मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने कट करके इसमें से, अभी इसमें काफ़ी सारा बचा हुआ था तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, इससे फेस काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो इसलिए मैं इस तरह से इसे यूज़ कर रही हूँ। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसी में का मैं दोबारा भी बाय करूँगी। और ये देखें नहा कर मैंने ये वाला सूट वेयर किया था, जो कि है तो जॉर्जेट का बट बहुत ज़्यादा हल्का है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है,
बट ये तो दिल को मनाना है। बाकी गर्मी से भी कपड़ों में लग रही है आजकल। अभी जब से बारिश हुई है तब से थोड़ा सुकून है। और ये मैंने चने की दाल के चावल बनाए थे जिसको कबूली भी कहा जाता है। और ये हमने बनाए थे दोपहर के टाइम, मैंने बनाए थे। और इसके लिए मैंने बनाई थी चटनी, हरी मिर्च टमाटर और लाल मिर्च की चटनी बनाई थी, ये देखें। और लंच हो गया था हमारा रेडी, और उसके बाद में हमने लंच किया था। और लंच जैसे ही हमने किया था उसके फौरन बाद, जैसे कि ये प्रोजेक्ट हम बना रहे थे पॉट से, और ये पॉट हो चुका था कंप्लीट। और उसके बाद में मेरे बेटे ने इसमें प्लांट लगाया था, स्नेक प्लांट, ये देखें। और नहाने के बाद उसने ये किया था, मैंने फिर से उसे नहला दिया था दोबारा से। मैंने हो गया है, नेक्स्ट डे में मॉर्निंग के टाइम से बारिश हो रही थी तो मेरे हस्बैंड लेकर गए थे हमें घुमाने के लिए बारिश में। और ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और 11:30 का ये टाइम हो रहा था जब हम घर से निकले थे, और फिर और ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। और ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, ये देखें। और इतना प्यारा वेदर हो गया था और हमें लग रही थी ठंड। ये देखें मेरे बेटे को, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आने के लिए। अभी उसकी हालत टाइट हो गई है, उसको ठंड लग रही थी। उसने कम कपड़े पहने हुए थे, शॉर्ट्स और टी शर्ट डाली हुई थी एक, और बड़ा एक्साइटमेंट में आया था। बट उसको भी सर्दी लग रही थी तो ऐसे चिपक के बैठा था अपने पापा से। फिर इसके बाद हम साईं उपवन पार्क में भी गए थे, और दूसरा पार्क था यहाँ पर, जिसमें कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आते हैं। एक दो बार मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, जब मेरे बेटे को साइकिल दिलवाई थी अभी न्यू, तो उसको आती नहीं थी अच्छे से चलानी साइकिल, तो यहीं पर लेकर आते थे मेरे हस्बैंड उसी पार्क में। तो अभी फ़िलहाल हम वहीं पर पहुंच गए हैं उस पार्क के साइड में, तो मेरे हस्बैंड हमें दिखा रहे थे कि ये वाले पार्क में वो लेकर आते हैं मेरे बेटे को, ये देखें। और काफ़ी बड़ा पार्क था ये, इस साइड से, इस पार्क का फ्रंट साइड है तो इसके बैक साइड में काम चल रहा था मेट्रो का, वो देखें उधर की साइड से क्लोज हो रखा था, तो ये मेरा बेटा देख रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रखी थी तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये पार्क। तो पीछे से क्लोज किया हुआ है इन्होंने, जहाँ से मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो का सॉरी काम चल रहा है, तो वहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है अभी फ़िलहाल। तो ये देखें मेरे बेटे की हालत, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ये देखिए। और ये मेरे हस्बैंड थे, दोनों भीग चुके थे बुरी तरह से, और इन्हें दोनों को ठंड लग रही थी। और उसके बाद भी हम आए थे पार्क में, ये देखें इतना प्यारा व्यू था ये पार्क का, ये देखें कितने प्यारे हो जाते हैं पौधे बारिश होने के बाद में, एकदम ग्रीन ग्रीन, और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग से लगते हैं और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ये देखें। और इसके बाद में हम यहाँ थोड़ी देर घूमे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पर भी एक रूट बना हुआ है मेट्रो का, ये देखें। और इतना प्यारा वेदर हो गया था, इतना बहुत ही अच्छा, बट यहाँ पे कोई नहीं था, पार्क बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ था बारिश की वजह से, ये देखें कोई भी नहीं था। एक दो बच्चे थे वो आगे जाके खेल रहे थे वो, बट शांति थी यहाँ पर। ऐसे वेदर को एंजॉय करना चाहिए अच्छे से, जो कि हमने आज किया था, और फुल मस्ती की थी हमने, फुल हम भीगे हैं और ठंड भी लग गई थी हमें बहुत ज़्यादा। और इस रास्ते से हम जा रहे थे, ये रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया था, और ये पार्क काफ़ी दूर है, ये देखें चारों तरफ इसमें पेड़ लगे हुए थे काफ़ी सारे। और यहाँ पर भी शायद मेट्रो का कोई रूट है, या फिर यहाँ पर वर्क चल रहा है अभी, ये देखें दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर एक दो जगह पे बेंच पड़ी हुई थी ताकि रेस्ट कर सकें, अगर रनिंग या फिर वॉक करते टाइम आप अगर थक जाएं तो इजीली यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड था बच्चों के लिए, जहाँ पर काफ़ी सारे झूले वगैरह लगे हुए थे। और इंशाल्लाह मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम,
तो अपने बेटे को यहीं पर लेकर आऊंगी एक बार ज़रूर। अभी तो वहाँ पर काफ़ी सारा पानी वगैरह हो रखा था, कीचड़ वगैरह हो रही थी, तो अभी तो फ़िलहाल वहाँ पर नहीं भेज सकते थे अपने बेटे को, तो इसलिए अभी हम यहीं से घूमकर वापस जाने लगे थे। और वहाँ की वीडियो भी कैप्चर करना मैं भूल गई थी, उस जगह को भी कैप्चर नहीं किया है मैंने, वीडियो नहीं शूट की थी वहाँ पे, भूल गई थी मैं। और अभी हम वापस आने लगे थे वहाँ से, और इतनी गर्मी पड़ने के बाद आज की बारिश को हमने इतना एंजॉय किया है, थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो हमें लेकर आए इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, और इतना एंजॉय कराया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं सर्दियाँ, और बरसात भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, बारिश वगैरह, बट गर्मी नहीं अच्छी लगती हैं। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को गर्मी पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गर्मियाँ, मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी फ़िलहाल बारिश ये देखें बहुत ज़्यादा ज़ोर से होने लगी थी, हम वापस आ रहे थे तो और भी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। ये देखें एक जगह पर हमें उतरना था, पानी बहुत ज़्यादा था यहाँ से नहीं दूसरी साइड से, यहाँ पर हम ऊपर से वीडियो कैप्चर कर रहे थे, ये देखें मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी और इसमें से गाड़ियाँ निकल के जा रही थी, पानी काफ़ी सारा यहाँ पर जमा हो गया था ये देखें, और ये बच्चे इसी पानी में स्विमिंग कर रहे थे, बिल्कुल एकदम गंदा पानी था ये देखें, इस तरह से बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, और ये मेरा बेटा यहाँ से देख रहा था, मेरे हस्बैंड, और मैंने आके थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।